खून नाड़ियों में चले ना कि ये नालियों में बहे। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद। युग निर्माता सविंदर माता, ममता प्रेम का रूप साकार, मानवता पर किए आपने अथाह अनंत परोपकार, नमन आपको बार बार। दोस्तों, अगस्त का महीना है और ये महीना जहां शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी और जगत माता बुधवंती जी सहित अनेक परोपकारी संतों की याद दिलाता है और पुरातन इतिहास को दोहराता है, तो वहीं माता सविंदर जी की शिक्षाओं और उनकी करुणा ममता की कहानी कहता है। आइए युग पुरुष के साथ साथ युग निर्माता माता सविंदर जी को नमन करते हुए न्यूज डिवाइन की शुरुआत करते हैं। जुलाई महीने के समाचारों के साथ अगस्त महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ मनीषा योगी। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिव्य वाणी, साल्वेशन टूर, एनवाईएस रिपोर्ट, मिशन ओवरसीज, एसएनसीएफ डायरी, एक खास मुलाकात एंड अदर न्यूज। अब खबरें विस्तार से। हरदेव सदगुरु प्यार का जीवंत रूप साकार, कुछ भी हो हम सब भी बांटे केवल प्यार ही प्यार। माता सविंदर जी का प्रथम उद्गार हमें इंसानियत का संकल्प देता है, जोड़ता है उस आधार से जो केवल प्यार ही प्यार है और ले जाता है शहंशाह जी के परोपकारों की ओर। इसी प्रकार माता सविंदर जी ने समय समय पर अपने अनमोल प्रवचनों के माध्यम से हमारा कदम कदम पर मार्गदर्शन किया। ऐसे ही दिव्य वचनों से जुड़ते हैं न्यूज डिवाइन के पहले सेगमेंट दिव्य वाणी में। सत्संग जी, कहीं पे एक लाइन सुनने को मिली, तेरा जलवा हर सू मुझे आता रहे, नज़र आता रहे, काश यूं भी हो मुझ में तू नज़र आए। संत महापुरुष हमेशा यही अरदास करते हैं कि ये जो ज्ञान की आंखें हमें मिली हैं, इसके कारण एक एक व्यक्ति में हमें सिर्फ तेरा रूप नज़र आए और मेरी ज़िंदगी, मेरा जीवन जैसा बाबा जी ने चाहा वैसा ढल जाए कि जो भी मुझे मिले उसे लगे, देख के ही लगे, बिहेवियर से ही देख के लगे कि ये तो वाकई ही निरंकारी परिवार का बच्चा है। सत्संग जी, हर व्यक्ति का, हर इंसान का विश्वास दिन ब दिन और पक्का होता जाए, निरंकार से यही अरदास है, यह समर्पण वाली भावना सब में बनी रहे। और आइए देखते हैं जुलाई के महीने में सदगुरु द्वारा की गई कल्याण यात्राओं का ब्यौरा इस रिपोर्ट की नजर से। कल्याण यात्राओं की लड़ी को निरंतर जारी रखते हुए सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज 30 जून को दिल्ली से दूर देशों की ओर रवाना हुए। पहला पड़ाव स्वीडन का स्टॉकहोम शहर था। यहाँ पर 1 जुलाई को जब सदगुरु माता जी व आदरणीय रमित जी का आगमन हुआ तो स्थानीय भक्तों ने भावभीना स्वागत किया। इसी दिन शाम को स्टॉकहोम के एक भव्य हॉल में सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में स्वीडन के अलावा फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे आदि अनेक देशों से श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। संतों ने अपने भक्ति भरे भाव सदगुरु के समक्ष अनेक भाषाओं में प्रकट किए। अंत में उपस्थित भक्तों को सदगुरु माता जी ने एक परमात्मा से जुड़कर एक होने की प्रेरणा दी। How do we maintain our balance? How do we maintain our composure regardless of the situation? जैसे हिंदी में बोलते हैं कि वो एक सहज अवस्था की बात होती है, जो एक आनंद की अवस्था किसी भी स्थिति में जिंदगी के, अगर जैसे भी उतार चढ़ाव हो तो हमें एक सार, एक जैसा जो रहना है तो वैसा रहना कैसे हम अचीव कर सकते हैं, वो तभी हो पाएगा जब हम अपने आप को एक ऐसी स्थिर चीज़ के साथ जोड़ लें जिसमें अपने आप ही कोई जब उतार चढ़ाव नहीं, तो हम उस स्थिर का
अपने साथ जब जोड़ेंगे तो हम खुद स्थिर हो जाएंगे। 3 जुलाई को सदगुरु माता जी का आगमन जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ। यहाँ पर भी एक सुंदर प्रांगण में सत्संग समारोह सजा हुआ था। आए हुए भक्तों ने सत्य के संदेशों का आदान प्रदान कर निरंकार सदगुरु से मन का नाता जोड़ने का प्रयास किया। आए हुए भक्तों को सदगुरु के आशीर्वचन व चरणों पर नमस्कार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी तरह विभिन्न धर्म स्थानों पर भी जाकर सदगुरु माता जी ने समस्त संसार के लिए भले की कामना की। इसी दिन निरंकारी जगत के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना उस समय जुड़ा जब सदगुरु माता जी, पूज्य रमित जी व साथ गए महापुरुषों को जर्मनी के सरकारी अधिकारियों की तरफ से सरकारी रीति रिवाज के अनुसार स्वागत सत्कार किया गया। यहाँ की गोल्डन बुक, जिसमें अलग अलग देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, इस बुक में सदगुरु माता जी ने अपना शुभ संदेश दर्ज किया। इस अवसर पर सदगुरु माता जी को 17वीं सदी का एक उपहार भेंट किया गया। यहाँ के मुख्य स्टेट कमिश्नर मिस्टर कुर्ट लेनार्ट ने सदगुरु माता जी से बातचीत करते हुए मिशन की ओर से किए जा रहे समाज कल्याण के कार्यों की सराहना की। इसी दिन शाम को सदगुरु माता जी ने स्टुटगार्ट में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में संगतों को आशीर्वाद प्रदान किया। कल जहाँ फ्रैंकफर्ट में काफी आप सब महापुरुषों के दर्शन हुए और आज इधर भी सत्संग में आपके दर्शन करने का मौका मिल रहा है, तो दासी ने आज जितने भी वक्ता चाहे गीत रूप में बोले चाहे स्पीच में बोले, वो सबको जो एक मैसेज था वो यही छुपा हुआ था कि ये निरंकार जो है ये हर पल हमारे साथ है और निरंकार तो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, बस हम ही हैं जो भुला कर निरंकार को ऐसे भूल जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जब हम आए हैं तो एक ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जहाँ है जिसमें हमें रहना है और हम जो भी अचीवमेंट कर रहे हैं वर्ल्डली वो जहाँ सभी को मुबारक है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमको एक बेहतर मनुष्य बनना है। जैसे वो स्लोगन भी मिशन का है, जो भी बनो मुबारक है, बस पहले बस इंसान बनो। इसके उपरांत सतगुरु माता जी ने देर रात कैम्पटन पहुंचकर वहां के श्रद्धालुओं को भी भरपूर रहमतें प्रदान की। 5 जुलाई की सुबह सतगुरु माता जी कैम्पटन से सड़क मार्ग द्वारा ऑस्ट्रिया की ओर रवाना हो गए। इस दिन सतगुरु माता जी का आगमन ऑस्ट्रिया के खूबसूरत शहर इंसब्रुक के सत्संग भवन पर हुआ। तो यहां पर श्रद्धालुओं ने सतगुरु माता जी और साथ आई टीम का भावभीना स्वागत किया। गीतों और व्याख्यानों के रूप में भक्ति की रूहानी खुराक प्राप्त करने के पश्चात आई हुई संगतों को सतगुरु के आशीष वचन प्राप्त हुए। 6 जुलाई को सतगुरु माता जी अपनी टीम सहित वेनिस पहुंचे। तत्पश्चात इसी दिन आपके पावन कदम पड़े इटली की धरती पर। इटली के निरंकारी सत्संग भवन पर स्थानीय भक्तों ने सतगुरु माता जी व पूज्य रमित जी का अभिनंदन किया। यहाँ पर भक्तों की उपस्थिति से सत्संग का स्वरूप सजा हुआ था। सतगुरु माता जी ने भक्तों के भाव श्रवण कर भरपूर आशीर्वाद प्रदान किए। वो बढ़ता ही चला जाए ताकि ये कोई भी हमारे दिन में ऐसा समय ना हो जिस समय हम निरंकार परमात्मा को अपने जीवन से भुला दें या कुछ पलों के लिए भुला दें। अगले दिन 7 जुलाई रविवार को इटली के मशहूर शहर मंटुआ में एक विशाल हॉल में यूरोप का निरंकारी संत समागम सजा हुआ था। समागम स्थल पर मिशन की आइडियोलॉजी को दर्शाती प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। आए हुए भक्तों ने हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी और इटालियन आदि भाषाओं में सत्य, ज्ञान व भक्ति का संदेश दिया, जिसका इटालियन अनुवाद भी साथ साथ प्रसारित हो रहा था। अधिक संख्या में भक्तों की उपस्थिति से सत्संग स्थल भरा हुआ था। इस अवसर पर अन्य गणमान्य सज्जनों ने भी शिरकत कर सदगुरु का अभिवादन किया। इस कार्यक्रम में सदगुरु माता जी ने समस्त मानव परिवार को एक निरंकार प्रभु से जुड़ने का आह्वान किया। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। इधर इटली के इस प्रांगण में जहाँ आज हम सब समागम के लिए इकट्ठे हुए हैं यूरोपियन समागम के लिए, तो ना ही सिर्फ बस इटली के ही महापुरुष बल्कि
यूरोप के बहुत ही कंट्रीज से और हिंदुस्तान से भी सभी जगहों से आए हैं ताकि इस निरंकार परमात्मा का जहां गुणगान गा सकें, वहां वो एक जो महत्वता है कि जीते जी किस तरह हम अपनी पहचान कर सकते हैं, इस निरंकार को जानने के बाद हमें अपना असली रूप पता लग सकता है। 8 तारीख की रात सतगुरु माता जी अपनी टीम सहित स्पेन के बार्सिलोना पहुंचे। अगले दिन 9 जुलाई को स्पेन के शहर बार्सिलोना में सतगुरु माता जी की छत्र छाया में यहाँ एक हॉल में सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हिंदी, अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा का सहारा लेकर भक्तों ने अपने भाव प्रकट किए। 10 तारीख को सतगुरु माता जी ने बार्सिलोना सत्संग भवन का उद्घाटन अपने पावन कर कमलों से किया और यहाँ पर एकत्रित श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया और फिर इसी दिन ट्रेन के द्वारा फ्रांस के लिए प्रस्थान कर गए। 11 तारीख को जब सतगुरु का आगमन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ तो स्थानीय भक्तों ने स्टेशन पर पुष्प गुच्छ भेंट कर हुजूर माता जी की आगवानी की। अगले दिन 12 जुलाई को पेरिस में सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था। पेरिस में आंतरिक सुंदरता पर ध्यान दिलाते हुए सतगुरु माता जी ने फरमाया, जो मन में अगर कुछ ऐसे ख्याल है हम उसी समय सिमरन कर लेते हैं, हम करते हैं कि ऐसा निरंकार कृपा करे सब अच्छा ही हो और कुछ भी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव करके हम अपने मन की भी वहाँ सुधार कर लेते हैं। इस तरह निरंकार हमारे मन की भी कष्टों को दूर करता है। 13 जुलाई को सद्गुरु माताजी पेरिस से रेल यात्रा द्वारा ही लंदन पहुंचे। लंदन के सत्संग भवन पर जब सद्गुरु माताजी का आगमन हुआ तो स्थानीय भक्तों और सेवा दल ने हर्षोल्लास से बैंड बाजे बजाकर भावभीना अभिनंदन किया। खुले वाहन में अपनी सहज मुस्कानों से सभी को दर्शन देते हुए सद्गुरु माताजी सत्संग स्थल पर पहुंचे। सत्संग कार्यक्रम में अलग अलग दिलों के भक्ति भरे भाव विभिन्न रूपों में सुनने को मिले और अंत में आई हुई सात संगत को सतगुरु के आशीर्वाद प्राप्त हुए। ये जो भाव है सबके अंदर ये सत्संग में आने का, वो एकदम उस तरह ही दिख रहा है कि ये हॉल भी पूरा भर गया और बाहर भी विंडो से नजर जा रही है तो महापुरुष खड़े हैं। तो किस तरह ये जो निरंकार के साथ हम सबका अपना इंडिविजुअल एक रिलेशनशिप होता है उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें खुद उस पे वर्क करना पड़ता है। 15 जुलाई को ईस्ट लंदन के इरिथ कैंट में भक्तों पर सतगुरु माता जी की पावन रहमत बरसी। यहाँ पर सत्संग समारोह के रूप में श्रद्धालुओं ने सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। 16 तारीख को सतगुरु माता जी का शुभ आगमन इंग्लैंड के पार्लियामेंट में हुआ। स्थानीय गणमान्य सज्जनों ने यहाँ पर सतगुरु माता जी का अभिनंदन किया। तत्पश्चात सतगुरु माता जी इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड पहुंचे। दुनिया भर में शिक्षा के लिए मशहूर ऑक्सफोर्ड शहर पहुंचने पर स्थानीय श्रद्धालुओं ने सतगुरु माता जी का स्वागत किया। इसी दिन यहाँ के खूबसूरत केंद्र रोज हिल कम्युनिटी सेंटर के हॉल में निरंकारी सत्संग समारोह सजा हुआ था। इस अवसर पर सतगुरु माता जी ने भक्ति के प्रति सचेत करते हुए अपने प्रवचनों में कहा, कितनी सारी जो वैल्यूज है कि क्यों आज की डे एंड एज में भी हमको रिपीट करना पड़ रहा है, वो सिर्फ यही बात क्योंकि शायद हमने अपनी कन्वीनियंस से वी हैव लिटरली टेकन व्हाटएवर बिट्स एंड पीसेस वाज कन्वीनियंट टू अस एंड लेफ्ट, वी थॉट दैट दिस मैसेज इज नॉट फॉर अस, इट्स प्रॉब्ली फॉर समवन एल्स। पर हमें उसको उसी तरह एज इट इज जब हम कोई बात जो सत्संग में सुनते हैं उसको अपने जीवन में उतारते हैं हूबहू बिना उसमें अपनी ऑल्टरेशंस किए तो ही वो हमारे लिए सुखदायी रहती है। इसी लड़ी में 17 तारीख को हुजूर माता जी बेडफोर्ड पहुंचे। यहाँ पर भी रूहानियत के धारा सत्संग के रूप में बह रही थी। भक्ति भरे भजन, कीर्तन व व्याख्यानों के उपरांत पूज्य रमी जी ने भी अपने भाव प्रकट किए। अंतिम दौर में आई हुई सात संगत को सतगुरु माता जी के आशीर्वचन कुछ इन शब्दों में प्राप्त हुए। जो निरंकारी मिशन ने 90 सालों से शिक्षा दी है that we have to be true human beings by just imbibing all the qualities that actually are human values and जो उसके विरुद्ध कुछ हमें उस तरह दूसरी चीज नहीं करनी, जो हमको एक मनुष्य तन में चाहे हैं
फिर भी वो बात ना रह जाए कि मनुष्य होकर भी मनुष्य जैसे स्वभाव न रखें, और जहाँ आज वो भी एस्पेक्ट दासी का संगत के आगे रखा गया कि एक साल से जो सेवा रूप आप सबके चरणों में करने का अवसर मिल रहा है, तो दासी निरंकार से अरदास करती है कि सभी के जितनी भी सेवा दासी कर सके वो कम ही है, और जहाँ विश्वास की बात है कि निरंकार के साथ सभी का अपना एक जो रिश्ता है वो सेवा सिमरन और सत्संग करके ही और पक्का होना है। इसी दिन दयालु सतगुरु माताजी ने लेस्टर की संतों को भी भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद अगले दिन यानी 18 तारीख की सुबह सतगुरु माताजी ने लेस्टर स्थित निर्माणाधीन निरंकारी सत्संग भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, और फिर 18 जुलाई को हुजूर माताजी यॉर्कशायर के प्रसिद्ध शहर ब्रेडफोर्ड पधारे। स्थानीय भक्तों ने सतगुरु के आगमन पर हर्ष प्रकट करते हुए भावभीनी आगवानी की। यहाँ के एक हॉल में श्रद्धालु भक्त एकत्रित थे और सत्संग का सुंदर स्वरूप सजा हुआ था। बाल श्रद्धालुओं ने स्वागत गान के द्वारा सतगुरु माताजी का अभिनंदन किया। स्थानीय संतों ने भी भजन, कविताओं और विचारों द्वारा अपने हृदय के भाव प्रकट किए। सतगुरु माताजी ने मानवीय मूल्यों की ओर ध्यान दिलाते हुए आए हुए श्रद्धालुओं को अपने पावन आशीर्वाद प्रदान किए। 19 जुलाई को स्कॉटलैंड जाते हुए रास्ते में एडिनबरा में सतगुरु माताजी ने एक खुले स्थान पर एकत्रित भक्तों को पारिवारिक रूप से दर्शन दिए। 21 जुलाई को स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर के राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम हैम्पटन पार्क में एक विशाल सत्संग समारोह आयोजित किया गया था। सतगुरु माताजी के आगमन पर बैकपाइपर की मधुर धुनों द्वारा स्वागत किया गया। सत्संग समारोह में आए हुए भक्तों को जहां विभिन्न रूपों में रूहानी खुराक प्राप्त हुई, वहीं सतगुरु माताजी के चरणों पर नमस्कार व आशीर्वाद प्राप्त हुए। 22 जुलाई को बर्मिंघम यूके की धरती मानो सतगुरु के पावन कदमों का इंतजार कर रही थी। जब सतगुरु माताजी का यहाँ पर खुले वाहन में सभी पर कृपा दृष्टि बरसाते हुए आगमन हुआ तो दर्शन पाकर श्रद्धालु भक्त खुशी से फूले नहीं समाए। 23 तारीख को सतगुरु माताजी बर्मिंघम में एक नव निर्माणाधीन हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे। 24 तारीख को स्थानीय मेयर ने सतगुरु माताजी को अपने ऑफिस में आमंत्रित किया और मार्गदर्शन प्राप्त किया। 26, 27 व 28 जुलाई को बर्मिंघम यूके में निरंकारी यूथ सिंपोजियम का भव्य आयोजन किया गया था, जिसका विस्तृत ब्यौरा आप NYS सेगमेंट में देखेंगे। NYS के बाद दूर देशों की कल्याण यात्रा को जारी रखते हुए 29 जुलाई को सद्गुरु माताजी अपनी टीम सहित बर्मिंघम से एक बार फिर लंदन सत्संग भवन पर पहुंचे। यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं को एक बार फिर से रहमतें प्राप्त हुई। 30 जुलाई को विदाईगी समारोह में आयोजित संगतों को आशीर्वाद प्रदान कर इसी दिन ही सद्गुरु माताजी का आगमन दुबई की भव्य नगरी में हुआ। यहाँ पर 1 और 2 अगस्त को NYS का आयोजन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आप अगले महीने के न्यूज डिवाइन के एपिसोड में देखेंगे। दुबई NYS के सफल आयोजन के बाद सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज व पूज्य रमित जी अपनी टीम सहित लगभग 1 महीने की कल्याण यात्रा संपन्न कर भारत देश पहुंचे। इट्स इजियर टू कॉन्कर माउंटेन्स देन आरसेल्स। आज NYS के माध्यम से सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज युवाओं को स्वयं पर विजय प्राप्त करना ही तो सिखा रहे हैं। सत्य का संदेश लिए निरंकारी यूथ सिंपोजियम की पताका दूर देशों में भी फहरा रही है। इसी लड़ी में जुलाई के महीने में बर्मिंघम यूके में 26-27 जुलाई को NYS का सफल आयोजन किया गया। आइए देखते हैं NYS रिपोर्ट। निरंकारी यूथ सिंपोजियम के माध्यम से नौजवानों पर सद्गुरु की रहमतों की बारिश लगातार हो रही है। इसी लड़ी में 26 व 27 जुलाई को बर्मिंघम यूके में NYS का सफल आयोजन किया गया। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में हुए इस सिंपोजियम में यूके व यूरोप के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। NYS का पहला दिन हमेशा की तरह स्पोर्ट्स को समर्पित रहा। 26 जुलाई को बर्मिंघम की टिप्टॉन स्पोर्ट्स एकेडमी युवाओं की मौजूदगी से गुलजार रही। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति से युवाओं में नव ऊर्जा का संचार हो रहा था। सिंपोजियम के आरंभ में विभिन्न देशों से आए युवा प्रतिभागियों ने सद्गुरु के समक्ष वननेस तथा मिशन की आइडियोलॉजी पर आधारित रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
तत्पश्चात प्रतिभागी युवाओं ने हाथ में मशाल लेकर रिले मार्च करते हुए मशाल सद्गुरु को समर्पित किया और सद्गुरु माता जी ने NYS के पहले दिन का उद्घाटन किया। टिप्टॉन स्पोर्ट्स एकेडमी के विशाल ग्राउंड में विभिन्न प्रकार के इंडोर व आउटडोर गेम्स आयोजित किए गए। सद्गुरु माता जी ने स्वयं कई खेलों में हिस्सा लेकर प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। I'm Purva, I'm from London. The first day I walked in, I just got so much love from everybody around me. Strangers became family, and there's so much love and unity that I got from everywhere. I feel like I've been part of the mission forever now, and it's been such a great experience, and I would like to carry on as well. Obviously, more than ever, Yes, I really enjoy all the events. I played for CrossFit Games, and then I really enjoyed when also Mataji came and met all of us. You can feel his positive vibes when she's around. And I also did a yoga class, and she attended also the yoga class. My name is Arthur Grove and I'm from Birmingham. With Sipri Mataji's grace, I've really enjoyed doing the seva. We've been blessed with several non-physical games for all ages, all participants, regardless of whether you're under 15 or over 45. And we've planned various board games together with a digital element of word searches related to Gurmat and Manmad messages. And with each game, we've linked it to a spiritual message. Priyanka Mela, I'm from Toronto. And I'm so glad that I'm here. It's honestly, I have no words. I'm so glad Mataji gave us the opportunity, extended the invitation out to Canada and North America to be able to come and join. We feel super, super blessed. It's been amazing events, amazing last couple of days. The people have been so humble and friendly, it's just been helpful and exciting, and it's just amazing to be a part of this special day, really. An amazing experience today, getting to see everyone together playing sports, cooperating with each other, showing great teamwork, and trying to find the hidden messages that Mataji talked about earlier. It's been full of energy. It's great to see all the Marpas together from all over the world, especially in Europe, from all over England. It's great to get them together. It's a lot of energy. It's full of excitement in the air. It's a long and hot, drowsy day, but I think ये प्रोग्राम देर शाम तक चलता रहा और अंत में सभी पार्टिसिपेंट्स ने सद्गुरु माता जी के आशीर्वादों का लाभ उठाया। All the teams today, they were so just flawless in their acts, and बाकी उनका भी जो backstage teams रही या जो भी सबने एक combined effort दिया, it is very commendable. इस अवसर पर एक एग्जीबिशन भी लगाई गई। NYS के दूसरे दिन का कार्यक्रम बर्मिंघम में संत निरंकारी सत्संग भवन सेंटर फॉर वननेस में आयोजित किया गया। दूसरे दिन का प्रोग्राम थीम द सिक्स एलिमेंट्स पर आधारित था। लंबे चौड़े हॉल के अंदर और बाहर भारी संख्या में आए हुए श्रद्धालु भक्त बैठे हुए थे। प्रतिभागी युवाओं ने अर्थ, फायर, एयर, वाटर, स्काई एंड कॉन्शियसनेस पर केंद्रित कई स्पिरिचुअल कार्यक्रम पेश किए, जिसमें सिक्स एलिमेंट्स में निहित संदेशों के साथ मिशन के सिद्धांतों को पिरोया गया था। ये कार्यक्रम रात लगभग 1 बजे तक चलता रहा। कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने सभी को पावन आशीर्वाद प्रदान किए। आप सब चाहे वो टीम्स के लिए, बैकहैंड के लिए, बैकस्टेज के लिए, डिजाइनिंग टीम, डेकोरेशन टीम, या किसी भी रूप में पार्टिसिपेशन, जहाँ पे भी चाहे स्टेज के ऊपर की पार्टिसिपेशन या यहाँ बैठ के अटेंड करने की पार्टिसिपेशन,
या कोई भी और ऐसी टीम्स जो इतना एफर्ट डाला है जिन्होंने इतनी स्लीपलेस नाइट्स प्रैक्टिसेस इतना कुछ करके मेहनत को एंड सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स दे वर इन मल्टीपल थिंग्स मल्टीपल सेगमेंट्स एंड फिर भी उन्होंने उतनी ही खूबसूरती से ऐसे नहीं हुआ कि एक अच्छा बाकी थोड़े ठीके थे दे गिव जस्टिस टू ऑल देयर परफॉर्मेंसेस रिगार्डिंग If it was an act or play or just deep, जो भी था बहुत खूबसूरती से सबको दिखाया NYS has been such an overwhelming experience. Emotions are high. We've learned so much. We've been enriched spiritually, mentally, physically. You know, all we can say is thank you, Mataji. 28 जुलाई को एक सत्संग का आयोजन भी किया गया सदगुरु माता जी की रहनुमाई में आयोजित इस सत्संग समारोह में यूके यूरोप इंडिया व अनेक देशों से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया और अनेक रूपों में अपने अपने भाव सदगुरु व साध संगत के समक्ष प्रकट किए इस अवसर पर अन्य डेलीगेट्स के साथ साथ स्थानीय मेयर व बर्मिंगम के अनेक गणमान्य सज्जन भी उपस्थित हुए सत्संग कार्यक्रम के अंत में आए हुए श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सदगुरु माता जी ने फरमाया ये वर्ल्ड विदाउट वॉल्स बने ये नॉकिंग डाउन द वॉल्स इन वही मटेरियल है टू मेक अ वॉल और मेक अ ब्रिज सो रादर मेक ब्रिजेस एंड कनेक्ट और जस्ट कन्फाइनिंग आवरसेल्व्स इन टाइनी वॉल्स तो एक वो हमारे ऊपर चॉइस की बात है कि हमको उससे ब्रिक्स से क्या करना है इसी दिन शाम को सेवादल रैली का भी आयोजन हुआ जिसमें यूके व यूरोप के सेवादल ने सद्गुरु माता जी से दिशा निर्देश व आशीर्वाद प्राप्त किया सद्गुरु की एक और रहमत के रूप में शाम 7 बजे से एक सूफी संध्या का भी आयोजन किया गया जिसमें अनेक गायक कलाकारों ने रूहानी गीतों से वातावरण को भक्ति रस में सराबोर कर दिया माता सविंदर जी ने हमेशा कर्मों के द्वारा ही किरदार को संवारने की प्रेरणा दी आपकी रहनुमाई में अनेक प्रकार के सामाजिक और लोकहित के कार्य किए गए और आज भी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के मार्गदर्शन में SNCF के द्वारा इन कार्यों को निरंतर गति मिल रही है अब हम आपको लिए चलते हैं संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की उन्हीं गतिविधियों की और SNCF डायरी में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से चलने वाले लोक कल्याण के कार्यों का सिलसिला जुलाई के महीने में भी निरंतर चलता रहा इस महीने देश भर के विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए जिसमें दिल्ली चंडीगढ़ पुणे और जम्मू आदि मुख्य स्थान रहे इन शिविरों में निरंकारी भक्तों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किए और अपने सदगुरु की शिक्षाओं को सार्थक करने का प्रयास किया इस अवसर पर रक्तदान के प्रति जनसामान्य में जागरूकता लाने हेतु रैलियां भी निकाली गईं। स्थानीय समाचार पत्रों ने SNCF के इस मानव हितार्थ कार्य को मुख्य कॉलम में प्रकाशित किया और भरपूर सराहना की 7 जुलाई को मुंबई में SNCF की ओर से एक नेत्र जांच शिविर लगाया गया जिसमें अनुभवी डॉक्टर्स ने लोगों के नेत्र संबंधी रोगों की जाँच की और चश्मे आदि वितरित किए भारी संख्या में लोगों ने इस सेवा का लाभ उठाया जुलाई के महीने में कई स्थानों पर वृक्षारोपण की लड़ी भी चलती रही जिनमें गुरुग्राम और वाराणसी मुख्य स्थान रहे इसके अलावा दिल्ली के निरंकारी कॉलोनी स्थित मैरिज ग्राउंड और ग्राउंड नंबर 8 में भी सैकड़ों की संख्या में ट्री प्लांटेशन किए गए साथ ही दिल्ली के इन स्थानों पर स्वच्छता अभियान भी चलाया गया जिसमें SNCF के वॉलंटियर्स निरंकारी सेवा दल व श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और निर्धारित परिसर की मेहनत व लगन से विधिवत रूप से सफाई की इस अवसर पर SNCF की एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बहन विद्या छाबड़ा जी ने भी उपस्थित होकर वॉलंटियर्स का हौसला बढ़ाया And now, It is the time to take a look at the various activities of the branches of the mission in different parts of the world in the section Mission Overseas. A tree plantation drive was organized by the Sant Nirankari Mission Branch, Los Angeles, in the month of July. Many volunteers gathered at this event early in the morning and planted many trees.
On July 27th, the Sant Nirankari Mission Branch, North Carolina, conducted a blood donation drive. Many devotees donated blood for this noble cause. आइए दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Voice Divine अब से हर महीने की पहली और 16 तारीख को हर बार एक नया एपिसोड, नई थीम, नए थॉट के साथ। ब्रेक के बाद न्यूज डिवाइन में आपका फिर से स्वागत है। इश्क हकीकी में एक ही असूल है, तू कबूल तो तेरा किया सब कबूल है। इन पंक्तियों के जरिए माता सविंदर जी ने हमें एक्सेप्टेंस का मजबूत भाव दिया और निरंकार की रजा में राजी रहना सिखाया। माता जी की इन्हीं अनमोल शिक्षाओं को उनसे जुड़े अन्य लोगों ने भी अपने जीवन में अपनाया। आइए ऐसे ही एक नोबल पर्सन से बातचीत करते हैं अपने खास सेगमेंट एक खास मुलाकात में। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ है बीना भारद्वाज जी, जो माता सविंदर जी के स्कूल टीचर रह चुके हैं, कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी वेवरली स्कूल में। देखो, जैसे स्कूल में जब वो आई थी उस वक्त वो सिर्फ 12-13 साल की थी और 1966 में उन्होंने क्लास 6 में एडमिशन लिया था। और इत्तेफाक की बात है कि उसी साल मैंने भी कॉन्वेंट ज्वाइन किया एज अ टीचर। और जैसे और बच्चे होते हैं, उनको खेल कूद का शौक था और उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी बहुत सी, और शुरू से ही वो सबके साथ एडजस्ट हो गई थी और टीचर्स की भी फेवरेट थी और बहुत रिस्पेक्टफुल थी, टीचर्स की रिस्पेक्ट करती थी। 7th या 8th क्लास में वो स्कूल टीम में, बास्केटबॉल की स्कूल टीम में भी सेलेक्ट हुई थी, इसलिए तो शुरू से ही। और ये सविंदर माता जी जो थी वो बहुत ही खुश रहती थी स्कूल में और खेलकूद में, और स्कूल की लेटर ऑन वो स्कूल के टीम की कैप्टन भी बनी। और 1972 में उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम दिया। सीनियर कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम जो था बड़ा, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का बड़ा प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम होता है और उस ज़माने में जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे, अच्छे स्कूल्स थे, उसमें उनमें वहाँ पर ये कोर्स होता था। और वेवरली कॉन्वेंट जिसमें वो पढ़ी, वो तो खैर उस वक्त लड़कियों का सबसे अच्छा बोर्डिंग स्कूल था। और उन्होंने जब कैम्ब्रिज का एग्ज़ामिनेशन पास किया तो उसके बाद फिर वो क्लास 11 तक होता था, उसके बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए फिर वो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। माता जी मेरी स्टूडेंट थी और जब भी वो मसूरी आती थी मुझसे मिलती थी, और मेरी आखिरी मुलाकात उनसे 2017 में हुई और वो इत्तेफाक से वो उस दिन जा भी रही थी। तो मैं यहाँ आई मॉर्निंग में तो फिर कैंटीन में मैंने उनके साथ ब्रेकफास्ट किया और इतने प्यार से मैं बैठी थी, मैं उन्होंने मुझे अपने हाथ से खाना जो है सर्व किया। आई वॉज़ रियली टच्ड कि उन्होंने अपने आप से मुझे खाना सर्व किया और मेरे से मिली। और उस वक्त जब वो मेरे से गले मिली, थोड़ी देर तक मेरे गले मिलके मुझे उन्होंने ऐसे पकड़ा, तो मुझे उस वक्त ये नहीं लग रहा था कि ये लास्ट टाइम है कि मैं उनसे मिल रही हूँ। और मेरी इच्छा थी कि मैं उनके पास दिल्ली जा के रहूँ, पर भगवान की मर्ज़ी है कि वो इतनी जल्दी चली गई। लेकिन उनका काम जो है वो इन सब लोगों के दिलों में बसती हैं जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं, और उनका काम जो आगे बढ़ रहा है वो हमेशा उसमें भगवान की उनको ब्लेसिंग है। सविंदर माता जी ने मिशन के लिए जो भी कुछ काम किया, आज जो अब नई गुरु माता सब ये सुदीक्षा जी हैं, इतनी कम उम्र में इन्होंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल लिया, तो ये सब ईश्वर का इंस्पिरेशन होता है और ये ईश्वर की ही उनको ताकत देता है कि वो इतने बड़े काम को संभालें और इतने लोगों को संभालें और इतने लोगों की सेवा करें। और दोस्तों अब हम रुक करते हैं अपने अगले और अंतिम सेगमेंट अदर न्यूज की ओर। संत निरंकारी मिशन की ओर से जुलाई के महीने में अन्य गतिविधियों का सिलसिला भी अनावरत चलता रहा।
बाल समागम। बाल समागमों की लड़ी में 14 जुलाई को उत्तराखंड में बच्चों के बहुमुखी विकास हेतु बाल समागम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। इस समागम में बच्चों ने भक्ति भरे संदेश गीतों, व्याख्यानों, कविताओं व स्किट के माध्यम से प्रकट किए और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। महिला समागम। जुलाई के महीने में 14 तारीख को कर्नाटक में महिला समागम का आयोजन हुआ। इस समागम में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं की उपस्थिति दर्ज की गई। बहनों ने अति उत्साह पूर्वक विभिन्न रूपों में रूहानियत के संदेशों का आदान प्रदान किया और आध्यात्मिक विचार का लाभ प्राप्त किया। सतगुरु माताजी ने मानवता को एक अनमोल उपहार के रूप में कायरोप्रैक्टिक डिस्पेंसरी भेंट की। दूर देशों के कायरोप्रैक्टर डॉक्टरों द्वारा यहाँ पर मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की जा रही है। दिल्ली के निरंकारी कॉलोनी स्थित इस डिस्पेंसरी का उद्घाटन स्वयं सतगुरु माताजी ने अपने पावन कर कमलों से किया। और अब दोस्तों, न्यूज डिवाइन का सफर यहीं तक। अगले महीने की 10 तारीख को अगस्त महीने की खबरों तथा दुबई में हुए NYS की रिपोर्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मनीषा योगी को नमस्कार। धन्यवाद।